दर्शनीय स्थल ये जहाँ पे बाबा भजन करते हैं वो है, और बाबा की जो कुटिया है उसके दर्शन हम आपको कराते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर स्थान है, ये कितनी सुंदर कुटिया। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम जिस स्थान पे आए ना वो बहुत ही अलौकिक स्थान है, और यहाँ पे जो संत रहते हैं ना वो बहुत ही दिव्य हैं, उनके दर्शन आज हम आपको करवाएंगे। और ऐसे संत हैं जो इस घनघोर जंगल में अकेले रहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ आसपास कोई जगह नहीं है, और ऐसी सुंदर सी कुटिया उन्होंने बनाई है जिसको देख के बहुत ही आनंद आता है, और प्रतिदिन यहाँ पे रह के भजन करते हैं, कहीं नहीं जाते। राधा रानी की कृपा से उनको हर चीज़ यहीं पे उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे महान संत के दर्शन, दिव्य संत के दर्शन आज हम आपको कराएंगे। आइए, आपको ये ब्रजमंडल में ऐसे ऐसे दिव्य संत हुए हैं और आज भी हैं, वो साक्षात आज हम दिखाएंगे। आइए, तो सबसे पहले हम बाबा की कुटिया के दर्शन हम आपको करवाते हैं। ये बाबा की कुटिया है, और बिल्कुल प्राकृतिक रूप से, जो कहते हैं ना नेचुरल, मिट्टी से बनी हुई, ब्रज की मिट्टी से बनी हुई उनकी ये कुटिया है। और यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आप आएंगे तो तुलसी माता के दर्शन यहाँ पे हैं। और अब हम बाबा की कुटिया जहाँ पे रह के बाबा एकांत में राधा रानी का भजन करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। धन्य ऐसे दिव्य संतों को। और यहाँ पे बाबा अपना जो भी भोजन पानी है यहीं पे बनाते हैं, प्रसाद पवाते हैं राधा रानी को, उसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये बाबा की कुटिया है, ये देखिए भक्तों। जय हो। आप दर्शन कर रहे हैं बाबा की कुटिया के, ये देखिए कितने अंदर रह के गुफा में बाबा नित्य प्रतिदिन एकांत में भजन करते रहते हैं। धन्य है ऐसे संतों को। और भक्तों, आइए बाबा की जो कुटिया है उसकी भी दर्शन आपको कराते हैं। ये तो बाबा की जो भजन स्थल है जहाँ पे बाबा भजन करते हैं वो है, और बाबा की जो कुटिया है उसके दर्शन हम आपको कराते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर स्थान है, कितनी सुंदर कुटिया है। जय हो मेरे संत भगवान की, बहुत ही अद्भुत जगह है ये। आज आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम बरसाना से। जय हो। ये बाबा की बहुत ही सुंदर सी कुटिया के दर्शन आप कर रहे हैं, और अब बाबा से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कैसे, किस रस में वो यहाँ पे रहते हैं श्रीधाम बरसाना में। राधे राधे। तो भक्तों, हमें बाबा के पास, आप दर्शन कर रहे होंगे बाबा के, जो भी रस उनसे मिलेगा भक्ति का वो आज हम लेंगे। राधे राधे बाबा। राधे राधे बाबा। बाबा, सबसे पहले तो आपका जो नाम है, ठाकुर जी ने जो नाम दिया है वो क्या है? हमारा नाम नारायण दास। नारायण दास। हमें जी बाबा, ये जो कुटिया है बहुत ही सुंदर कुटिया है, और हम देख रहे हैं ठाकुर जी के भी बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ दर्शन है, तो ये कुटिया आपने खुद बनाई है? हमें नहीं थी, खुद बनाया जी। अरे, तीन महीना हो चुका, हमें नीचे खुद बनाया। खुद बनाया है। तो बाबा, यहाँ पे कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? हमें आज 7 साल, एखाने 2 साल, एक गुफा। अच्छा। पासे बागीचाए थाकतम, बागीचा परे, एखाने 2 साले हमें गुफा करे आछि, गुफार भीतर भजन करी, तर ओबरे खुद ही झुबड़ी बनाने।
बाबा नित्य प्रतिदिन आप यहाँ पे बैठ के भजन करते हैं और पूरा आसपास जंगल है, कैसे ठाकुर जी की कृपा है और आप यहाँ ब्रज में कैसे आए? राधा रानी की कृपा है, हमें ब्रज में आशा हमारे घर पे हमें निजी सामने दर्शने जेदिन हमें सामने दर्शन है हमें से दिन ही हमें कलकता हावड़ा से दिन कोनो गाड़ी छिलो ना আমি জানি না যে ব্রজে বৃন্দাবনে আসার কোন রাস্তা কোন লাইন, আমি হিন্দি মোটেই বলতে পারি না, তখন এত সমাজ যেত না যে হিন্দি কীভাবে বলবো কি বসবো, মানে কেউ বলতে গেলেও বুঝতে পারতাম না। আস্তে আস্তে স্টেশনে আসলাম, স্টেশনে এসে টিকিট তো মেলে না, আচ্ছা এইবার টিকিট না মেলায় আমি গাড়িতে উঠে গেলাম, উঠে শুনেছি দিল্লির থেকে মথুরার গাড়ি আছে, এবার আমি দিল্লির গাড়ি পাই, দিল্লির গাড়ি পাওয়ার পরে মথুরা, মথুরার থেকে আমি ধরো ওই রাধাকুণ্ড, রাধাকুণ্ডে দুদিন বাদ আমি বর্ষণে আসি, বর্ষণা আগে বর্ষণা আসে আমি সেই বর্ষণায় এই এখানেই সেইভাবে আছি বাগিচায়। আমি এক বাবার সাথে ওখানে দুনে প্রসাদ তৈরি করতাম আর এখানেই ভজন করতাম, ভজন করতে করতে এখানেই খুব ভালো লেগে গেল আর সেইভাবে আমি আছি। রাধারানীর ইয়েতে আমি ভজনে কোনো ডিস্টার্ব হয়নি, কোনো ভয় ভীত কোনো তা নেই। অনেকে বলতো যে এখানে খুব ভূত পিছিয়ে এসে তা আসে, আমার সবসময়ের জন্যই জানো রাধারানী আমার সাহস যোগাইছে। আস্তে আস্তে আমি গুফায় গুফা করলাম, গুফা করে আস্তে আস্তে গুফায় ভজন করতে করতে আজ এই পর্যন্ত এখানেই আছে। রাধারানী আমার যেন সবসময় সেই সাহস যোগায়, সেই সব কখন কি লাগতেছে সেই আমার এখানে ভেড় দেয়। আমি কোনো সময় বাইরেও মাদুগিরি করতে যাইনি, কোনো কিচ্ছু করিনি, মাদুগিরি নেই যাতে না কোনো দিন আজ পর্যন্ত এই বানাতে সব এখানে একের পর এক, আমি কারোর কাছে কিচ্ছু চাই নাই, কিচ্ছু নেই চাই না, শুধু ভজন ভজন আর রাধারানী আমার ঠিক যেটার প্রয়োজন সেটা আমার মিলি এখানে এনে দেয়, কারোর না কারোর দিয়ে ভেড় দিয়ে আমার এখানে পাঠিয়ে দেয়। আমি কোনো সময় বাইরে কোথাও যাইনি, আর আমি যদি কারোর কাছে কিছু চাই আমি কোনো দিন চাইও কারোর কাছে পাইনি যে আমার এইটার প্রয়োজন এইটা লাগবে না, ঠিক রাধারানী টাইম মতন আমার পৌঁছে দিয়েছে। এইভাবে আমি এখানে আছি আর রাধারানী আমার সবসময় মনে হয় যে আমার খুব কাছাকাছি থেকে আমি ভজন পাচ্ছি, ভজন করছি, আমার কাছাকাছি খুব নিকটবর্তী যেন আমার কাছে থাকে। তো বাবা রাধারানী কি ভক্তি করতে আপ? আমি রাধারানীকে ভক্তি করি, মহাপ্রভু আমার, মহাপ্রভুজি আমি ওই মহাপ্রভুই আমার রাধারানী। এই আমার মহাপ্রভুর আমি নিত্যানন্দ পরিবারের দীক্ষিত। बाबा कितना सुंदर चित्र हैं आपके और कितनी शांति है इस कुटिया में, खूब शांति मिले, हम गरम अनुभव करते पारि ना जे एखाने गरम लागे कि लागे ना एटा आमी अनुभव करि सब समय जेने आमी समान, आलो आमार मोटे पसंद ना, विद्युत आलो आमी कोनो दिन आमी व्यवहार करते पारि ना, यहाँ कुछ कोई जरूरत नहीं है, ये अंधाय अंधाय इसी में बस भजन करते रहते, भजन करते थे। हमें पाँचटा पर्यंत भजन करी, बेला बारो बजे उठे प्रसाद पाई, दुई बजे आर भजने बसि, और पाँच बजे उठे एबार एकटू यहाँ के अलावा और कहीं नहीं जाते ना, बाहर कोथाओ जाए बिल्कुल भी नहीं जाते, कहीं कहीं थके, और कभी कभी एकटू परिक्रमा जाए, परिक्रमा जाते हैं घेवर वन की।
और कहीं नहीं जाना होता। माझे माझे गोवर्धन जाई। गोवर्धन भी जाते हैं? अच्छा, जाइयो टेट परिक्रमा करे। अच्छा, बात चले। पैदल ही जाते होंगे? ना, एखान थे पैदल जाए ना, एखान थे गाड़ी से जाए। अच्छा, ओखान पैदल परिक्रमा करे। तो क्या भावा, कभी राधा रानी का एहसास होता है? हाँ, एखाने अनेक अनेक असुविधा होए गेछे। आमार राधा रानी निजेई आमार एखाने समन्वय बाँधिये गेछे जे तुमि एखान थेके कोथाओ जाबे ना, एखानेई भजन करबे, एखानेई थाकबे, तोमार कोनो असुविधा नेई। उनकी तामाने एखाने एई ব্রজ এখানে খুব দিক্কাত হয়েছিল এলাবেলা, যে এখানে থাকতে দেবে না, এটা আমার ট্রাই ছিল। তারপর থেকে এখন কোনো সমস্যা নেই, সেইভাবে আছি। এখন রাধারানীর বাকি ইচ্ছা সব রাধারানীর, সব রাধারানীর ইচ্ছা। সে তো সব কিছু করতে পারে, রাখবে কি রাখবে না সেই জানে। আমি তার দাসী। तो भक्तों, देखा बाबा जो बता रहे हैं कितना सरल भाव से यहाँ पे रहते हैं, इसी कुटिया में भजन करते रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते, और जाते हैं तो सिर्फ केवल उनकी परिक्रमा के लिए जाते हैं। जो शांति यहाँ पे है ना इस कुटिया में, उसका अनुभव आप कर ही नहीं सकते। बाबा के पास बैठ के राधा रानी के बारे में बात करना, उनसे उनकी बात करना, ये आनंद है ना, इसकी अनुभूति सिर्फ महसूस की जा सकती है। राधे राधे बाबा। तो भक्तों, आज देखा आपने कितने दिव्य संत हैं जो एकांत में रह कर यहाँ पे श्री लाडली जी का, राधा रानी का भजन करते रहते हैं। ऐसे दिव्य संत ब्रज में ही मिल सकते हैं। धन्य है ऐसे संतों को, कोटि कोटि प्रणाम है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्री धम्बरसाना से आप सभी को राधे राधे।